गया, कंप्लीट चेंज हो गया। देखिए मॉनिटर को देखते हैं, मॉनिटर जो होता है यह आउटपुट डिवाइस होते हैं जो चित्र या प्रोसेस इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। यह कंप्यूटर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट पिच अर्थात रेजुलेशन या रिफ्रेश रेट से किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसे VDU भी कहा जाता है। VDU का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसके डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक होगा पिक्सल्स उतने अधिक होंगे। एक अच्छे रंगीन मॉनिटर में 256 रंग आते हैं, 256 कलर एक अच्छे मॉनिटर में आता है। मुख्यतः दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं आज प्रचलन में है, कौन कौन सा, CRT और दूसरा TFT। TFT का ही दो रूप होता है, इससे पहले आता था LCD और अभी आता है LED। LCD आता था इसे, अभी आता है LED। देखिए CRT मॉनिटर फोटो में इसमें देख रहे हैं इमेज में बड़ा आकार का जो आता था। CRT का मतलब हुआ कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब की तरह वह काम करता था। आप लोग कभी टीवी वगैरह को खुला हुआ देखिएगा तो आगे वाला जो डिस्प्ले है ऐसे आकार में रहता है, आगे रहता ना अभी, और पीछे तरफ कम रहता है, पीछे दिख रहा है ना। और यहाँ पर देखिएगा खुला हुआ तो कॉपर के तार का वाइंडिंग किया रहता है, कॉपर के तार का वाइंडिंग किया रहता है। उस पर क्या किया जाता है, आप लोग रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़े होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, जिसमें भी है, उस पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराया जाता है जिससे वह एक प्रकाश पुंज के रूप में बिखरता है, टूटता है, जिसको नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसे पढ़ते हैं उसी तरह, तब वह बनता है। कभी कभी देखिएगा पुराने टीवी वगैरह स्क्रीन टेढ़ा हो जाता है तो उसको खोल कर वही थोड़ा एंगल को सही कर देता तो सीधा। ये बड़ा आकार वाला जो होता था वह CRT कहलाता है, कैथोड रे ट्यूब। रे मतलब क्या होता है, किरण, किरण के माध्यम से काम करता है। अभी हम लोग जो यूज करते हैं पूरा फ्लैट रहता है उसको क्या कहते हैं, TFT कहते हैं। इसके दो भाग हैं LCD और LED। LCD जो है वह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हुआ, उसमें लिक्विड के तरल को कलर को कंप्रेस्ड करके डाला जाता है। कंप्रेस्ड समझते हैं क्या होता है, संपीड़ित, जैसे टायर में हवा जो डालते हैं, हवा तो एनवायरमेंट में भी है लेकिन टायर में हवा और बाहर की हवा में दोनों अंतर है, उसको कम जगह में अधिक हवा को भर दिया जाता है, जिसको कहते हैं संपीड़न करना, कंप्रेस्ड करना, जिससे क्या होता है टायर खुला हुआ रहता है उसको आसानी से चलते और उसी से हवा निकल जाता है तो फिर चलाने में दिक्कत होता है, क्योंकि एज ए नेचुरल हवा जो जिस प्रकार से दबाव है इसका, हवा का भी अपना दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसमें संपीड़ित करने से फायदा होता है कि कम जगह में अधिक हवाओं को भरा जाए दबा, जैसे हम लोग बक्सा वगैरह में कपड़े वगैरह समिट करते तो दबा के रखते तो अधिक कपड़े आ जाते हैं, नहीं आ जाते तो वह संपीड़ित किया जाता है, तो उसमें भी कंप्रेस्ड करके डाला। LCD आपका टूटेगा उसमें से लिक्विड निकलेंगे, गाढ़ा लिक्विड निकलेगा, जैसे बॉल पेन वगैरह का इंक जो होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से गाढ़ा तरल निकलता है। जबकि LED में ऐसी बातें नहीं है, लाइट इमिटेटिंग डायोड होता है, इसमें डायोड लगे होते हैं, LED जो बल्ब होते हैं उसमें। आप इससे पहले जो CFL आता था वो बल्ब देखें, शीशा वाला, उसके पहले 110 आता था जो पीला फिलामेंट वाला था, उसके बाद CFL आया, और CFL के बाद अभी क्या है, LED। ये इतना लाइट ऐसे गोल दिखता है, इसमें गोल लाइट है नहीं, एक प्लेट लगा हुआ छोटे 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 लगे हुए, नहीं लगे हुए, वो सब LED है। लेकिन CFL में क्या आता था, कांच रहता था, और CFL में जो व्हाइट कोटेड रहता था मरकरी वगैरह देखें, व्हाइट कोट करके उस शीशा से क्या होता था, गैस के रूप में उसमें डाला जाता था, उस गैस को क्या करता था आपस में जोड़ता था तब जलता था, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर तब जलता था।